गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो इन अ प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. एंड उसकी वजह से जो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होती है वो देखा था. एंड लास्ट में ऑर्बिटल ऑर्डर, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, वो हमने देखा था उसका ऑर्डर. इस लेक्चर के अंदर हम लोग ऑर्बिटल के डायग्राम्स देखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी. ओके, तो हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं कि एनर्जी डायग्राम. ऑफ मॉलेक्युलर ऑर्बिटल्स. एनर्जी डायग्राम ऑफ मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स. चलो, तो हम लोग जानते हैं कि अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं, उसके अंदर एग्जाम्पल ले लेते हैं फर्स्ट हाइड्रोजन का, H2 मॉलिक्यूल के लिए समझते हैं. H2 मॉलिक्यूल, सो उसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन एटम है, एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1 होगा. तो दो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं, बट जो मॉलिक्युलर ऑर्बिटल तैयार होती है वो हम लोग इसके लिए करते हैं कि यहाँ पे 1s ऑर्बिटल किसका, एक हाइड्रोजन एटम का, दूसरा ऑर्बिटल होगा भी 1s दूसरे हाइड्रोजन एटम का. ओके, एंड वो क्या बनाएंगे, दो टाइप के बॉन्ड बनाएंगे, मतलब फॉर्मेशन होगा. एक होगा सिग्मा स्टार 1s होगा. ओके, ये क्या हो जाएगी, मॉलेक्युलर ऑर्बिटल्स, मॉलेक्युलर ऑर्बिटल्स. चलो, मुझे इलेक्ट्रॉन फिल करना है यहाँ पे, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक है तो दो के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2. ओके, तो फिर इसका जो एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं उसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि H2 के लिए हम लोग लिखेंगे मॉलिक्युलर ऑर्बिटल का जो ऑर्डर था उसके हिसाब से. फर्स्ट ऑर्बिटल है σ1s एंड हर एक ऑर्बिटल के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, क्या हो जाएगा, σ1s2 हो जाएगा. ओके, अब आपको ध्यान रखना है कि डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है. उसकी एक सिंपल मेथड है. सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ एनर्जी. ओके, बॉटम टू अप जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगा. चलो, मैं एक साइड में हाइड्रोजन एटम बता रहा हूँ, उसका 1s ऑर्बिटल बता रहा हूँ, हाइड्रोजन एटम. अब 1s 1s की तो एनर्जी सेम होती है, दोनों 1s की एनर्जी तो सेम होगी एटम के लिए, तो मैं उसी लाइन में उसी एनर्जी में मैं दूसरा एक ऑर्बिटल बताता हूँ जो क्या है 1s, जो क्या है दूसरे हाइड्रोजन एटम का. अब ये दोनों एक दूसरे के अंदर कंबाइन हो रही है एंड दो ऑर्बिटल्स बनाएगी. अब याद रखना है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगी,
जिसके अंदर बॉन्डिंग मॉलिकुलर होगा वो उसकी एनर्जी कम होगी, तो मैं यहाँ पे नीचे बताऊँगा उसको बॉन्डिंग की, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होगी, उसकी वजह से क्या होगा कि उसका एनर्जी है वो क्या होगा, कम होगा, ओके जो क्या होगी सिग्मा वन एस। एंड जो एंटी बॉन्डिंग है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, उसको हम क्या बताएंगे, ऊपर बताएंगे, ये हो जाएगा सिग्मा स्टार वन एस। तो यहाँ पे जो दिखाया है वो क्या है, एच टू मॉलिक्यूल, तो बीच वाला जो पार्ट होगा उसके अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होगी, एंड दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड उसके क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगी। चलो हाइड्रोजन के अंदर 1s1 है, मतलब एक हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, चलो हाइड्रोजन यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। नाउ H2 मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा 1s2, तो हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया उसका एनर्जी डायाग्राम। इस तरीके से एटम्स का हम लोग कैलकुलेट करते हैं एनर्जी डायाग्राम, ओके। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जो है मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर जिसके अंदर एक है पैरामैग्नेटिक, एंड सेकंड है डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक, ओके। सो कैसे डिसाइड करेंगे, बहुत ही सिंपल है कि अगर एक भी अनपैड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपैड इलेक्ट्रॉन, तो पैरामैग्नेटिक होगा, एंड सारे पैड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो डायामैग्नेटिक होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक और चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होगी, बॉन्ड ऑर्डर जो है 1/2 क्या हो जाएगा, एन बी माइनस एन ए बॉन्ड ऑर्डर। चलो 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो क्या है 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग के अंदर तो एक है ही नहीं कुछ भी, तो 0, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा इसका 1। चलो बॉन्ड ऑर्डर क्या शो करेगा कि दो हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड डिसाइड करेगा। एंड मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा, देखो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे है, पैड है, पैड है तो नेचर क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक इन नेचर, ओके। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल्स पॉसिबल है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड उसका मैग्नेटिक नेचर एंड बॉन्ड ऑर्डर, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो हम लोग सेकंड एक एग्जांपल देखते हैं, किसका, हीलियम मॉलिक्यूल का, He2 मॉलिक्यूल। तो समझने के लिए पहले लिखते हैं, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो जाएगा, ओके। तो अगर हम लोग He2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा
स्टार 1s2 हो जाएगा। ऑर्डर जो आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो नहीं आता है तो इसके अंदर कुछ नहीं आएगा, वो ऑर्डर आपको याद रखना है। तो सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2 हो गया। ओके चलो, तो अब इसके लिए हम लोग बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। चलो कितना हो जाएगा, 1/2 NB माइनस NA, तो कितना हो जाएगा 1/2 NB, कितना होगा 2 माइनस NA, एंटी बॉन्डिंग में भी दो इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ, मॉलेक्यूल इज नॉट पॉसिबल, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, मॉलेक्यूल इज नॉट पॉसिबल, मॉलेक्यूल पॉसिबल ही नहीं है तो फिर उसका मैग्नेटिक नेचर भी नहीं हो सकता, तो उसका मैग्नेटिक नेचर नहीं बना सकते हम लोग, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो एक थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, C2 मॉलिक्यूल के अंदर C2 मॉलिक्यूल जिसके अंदर कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 1s2 2s2 2p2। तो अगर यहाँ पे लिखना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन C2 मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, एक एटम के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, देन टू एटम्स के अंदर C2 मॉलिक्यूल्स के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अगर मुझे यहाँ पे C2 मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है तो 12 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, σ1s2 σ*1s2 σ2s2 σ*2s2 कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 2, 4, 6, 8, अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन बाकी है। फिर जो ऑर्डर है π2px इज इक्वल टू π2py है। यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं कि π2px2 इज इक्वल टू π2py2 डायरेक्टली लिख देते हैं, चलो इस केस में तो वो सही बैठ रहा है, बट क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो दोनों का एनर्जी लेवल सेम है तो पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा π2px1, फिर दूसरा यहाँ पे जाएगा, चलो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, चलो 11 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन π2px में आएगा एंड देन सेकंड इलेक्ट्रॉन π2py में, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया उसका σ1s2 σ*1s2 σ2s2 σ*2s2 π2px2 इज इक्वल टू π2py2। ओके चलो, तो अब हम इसकी मदद से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका बॉन्ड ऑर्डर 1/2 NB माइनस NA, चलो कितना हो जाएगा 1/2 NB नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सो स्टार के बिना है वो 2, 4, 6 एंड 8, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 + 2, 4, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, बॉन्ड ऑर्डर इज 2। इसका मतलब क्या हुआ कि दो कार्बन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, C2 अगर लिखते हैं तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एंड उसका मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा, सभी देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पैड है, तो मैग्नेटिक नेचर भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक नेचर हो जाएगा डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो ऐसे एग्जांपल आपको पूछे जाते हैं, ये जो एग्जांपल मैंने लिखा है ऐसे ही कि आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है
मैग्नेटिक नेचर बताना है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, कितने बॉन्ड है वो बताना है। उसके लिए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, मतलब ये एनर्जी लेवल आपको लिखना ही होगा ऑर्डर। तो होमवर्क में आपको देखना है Li2 के अंदर क्या होता है, पॉसिबल है कि नहीं है, Be2, B2 एंड N2। ये आपको होमवर्क में, जैसे मैंने यहाँ पे किए हैं हाइड्रोजन का किया, He2, C2 का किया, वैसे ही इतने आपको होमवर्क में करने हैं, इतने आपको होमवर्क में करने हैं, बराबर। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग O2 एंड F2 के अंदर देखेंगे, उसके साथ साथ चैप्टर भी हम लोग ख़त्म करेंगे।